हेलो वीवर्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मिनी समोसा कैसे बनाया जाता है। ये देखिए, मैंने मैदा सान के रखा हुआ है। एक कटोरी मैदा, एक कटोरी आटा, उसमें थोड़ा सा जीरा मिलाया है मैंने, नमक और थोड़ा 2 चम्मच रिफाइंड मिलाने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसे मैंने अच्छी तरह से नरम सान के 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है। 10 मिनट के लिए छोड़ने के बाद ये देखिए, ये मेरा आटा नरम हो गया है। उसके बाद मैं इसके पेड़े बनाकर गोल सा बेलूंगी। गोल सा बेलने के बाद ये देखिए, ये मैंने कट किया हुआ है तीन साइड से। कट करने के बाद ये मैं तवा चढ़ा रही हूँ। तवा चढ़ाने के बाद हम इसे थोड़ा सा नरम कर लेंगे। इस तरह से समोसा बनाना बहुत ही अच्छा बनता है, एकदम करारा बनता है। ये देखिए, इसे हल्का सा नरम करना है आपको। ये देखिए, इसे आप हल्का सा नरम कर लें। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे हल्का नरम करके अभी इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रखा है। तब तक देखिए, ये मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है छोटे चम्मच से, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका मिक्सचर बनाया हुआ है। और ये देखिए, मैंने आलू का मसाला तैयार किया है, 4 छोटे आलू, उसको बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद आप कढ़ाई में तेल डालें, थोड़ा सा फ़ोरन डालें। फ़ोरन डालने के बाद आप उसमें प्याज को लाल करके भूंजें, उसमें आधी और कच्चा लंका, आधी और हरी मिर्च को कुच कर उसमें डाल दें। इसके बाद हल्दी और नमक डाल दें और अच्छे तरह से आलू को मिला लें। मिला लेने के बाद इसे उतार लें। उसमें आप बादाम को भी फ्राई करके डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने बादाम डाला है, बादाम को लाल करके फ्राई करके निकाल लिया। उसके बाद आलू में से मिक्स कर दिया। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब आइए, हम इसमें मसाले को भरेंगे। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं एक लूँगी, कोई सा भी आप एक लीजिए, इसके साइड से मैं मैदा का मिक्सचर लगाऊंगी। मिक्सचर लगाने के बाद आप इसे इस तरह से फोल्ड करें। ये देख रहे हैं, ये देखिए, इस तरह से आप इसे फोल्ड कर लें और इसमें मिक्सचर डालें, आलू का मिक्सचर इसमें डालें। ये देखिए, इस तरह से मैंने आलू का मिक्सचर भरा इसमें। अब इसे आप बंद कर दें। बंद करने पे भी आप इसके चारों तरफ पहले मैदा का घोल लगाएंगे, उसके बाद ही इसे आप बंद करेंगे। तो आइए, मैं भी इसे बंद करती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे बंद कर लिया। ये देखिए, पूरा समोसा लग रहा है। इस तरह से बंद करने के बाद आप इसे डीप फ्राई करें। ये देखिए, ये मैंने इसमें भरा आलू का मसाला, अभी इसे डीप फ्राई कर रही हूँ। तेल आपका गरम होना चाहिए। अभी इसे डीप फ्राई करें अच्छे से। ये देखिए, इसका कलर देखिए आप, कितना प्यारा आ रहा है। ये हो गया पेपर समोसा, जो कि मैंने अलग ही तरीके से बनाया है। ये देखिए, इसे आप अच्छे से फ्राई कर लें 2 मिनट सेकने के बाद, ताकि कच्चा ना लगे। ये देखिए व्यूअर्स, इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। अब इसे हम 2 मिनट के बाद निकाल लेंगे। बीच बीच में आप इसे पलटते रहें, ताकि ये अच्छी तरह से सिक सके। ये देखिए, मिनी समोसा बनाने के लिए आपको ज़्यादा सामग्री भी नहीं चाहिए, सिर्फ मैदा, आटा, जो घर पे ही अवेलेबल रहता है। और हम मैदा सिर्फ इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसमें आटा भी मिक्स कर रहे हैं। सिर्फ मैदा खाना ठीक नहीं है, इसलिए मैं इसमें आटा भी यूज़ कर रही हूँ, ताकि बच्चे भी इसे अच्छे से खा सकें। और इसे मैं थोड़ा सा सेक लेती हूँ नॉन स्टिक तवा में। आप इसे हल्का सा सेक लें बिना तेल के। उसके बाद इसमें मसाला डालें, आलू का मसाला, और इसे अच्छी तरह से बंद करके फ्राई करें। बंद अच्छे से करना है आपको, थोड़ा सा भी खुला नहीं होना चाहिए, नहीं तो सारा मसाला आपका बाहर भी आ सकता है। कुछ भी मन करे शाम में तो शाम में आप बना सकते हैं।
शाम का नाश्ता है ये। कोई भी गेस्ट आ गए तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ये देखिए, ये मेरा लाल हो चुका है लगभग। अब मैं इसे निकाल लूँगी। देखिए इसका कलर कितना सुंदर आया है, थोड़ा सा मेरा फट भी गया है एक, कोई बात नहीं। आप अच्छी तरह से इसे भरें और इसे फ्राई करके सॉस के साथ सर्व करें। ये देखिए व्यूअर्स, मेरा समोसा बनकर तैयार है। देखिए ये कितना अच्छा मैंने इसे भरा है। ये देखिए इसे मैंने कितना अच्छा से फोल्ड किया हुआ है। ये थोड़ा सा फट गया एक, और बाकी सब देखिए ये मेरा कितना अच्छा हुआ है। और इसे लाल से लाल एकदम सेकाई हुआ है। यही है मेरा आज का शाम का इवनिंग स्नैक, पेपर समोसा, जो कि बहुत ही खास था। इसमें देखिए एकदम भी तेल नहीं दिख रहा है। तेल नहीं दिखने का कारण एक यही है कि आप इसे पहले बेलकर अच्छे से सेक लें। सेकने से ये तेल नहीं लगता है। देखिए इसमें एकदम भी तेल नहीं। आप इससे एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।